ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एंट्री ले लिया है साइंस सिटी के लिए। अब यहाँ पर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए आइए हम आगे देखते हैं क्या क्या इसमें हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर गार्डन का मेंटेनेंस हो रहा है और ये आप ऊपर भी देख सकते हैं, केबल कार राइड है। इसके थ्रू आप एंट्री भी ले सकते हैं और एग्ज़िट भी, बट दोनों का जो चार्जेस होगा वो अलग अलग होगा। तो यहाँ पर अब हमारा आता है स्पेस सेंटर। अब स्पेस सेंटर में हम जाते हैं और देखते हैं यहाँ हमको क्या देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड आपको मिल जाएगा स्पेस थिएटर और राइट साइड मिलेगा डायनो मोशन हॉल। तो गाइस इसको आप पॉज करके देख सकते हैं कि शो का कितना एंट्री टिकट है। ये डायनो मोशन हॉल है और इसमें बहुत सारे फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर पर आपको अलग अलग थीम्स मिलेगी। लाइक एट द टॉप फ्लोर यू कैन सी इल्यूजन रिलेटेड थिंग्स, वेयर एज एट द अदर फ्लोर यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वेरियम। बहुत अच्छी अच्छी फिशेज हैं उसमें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेज आर देयर। यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, कैसे वो ऑपरेट होता है, क्या उसके मैकेनिज्म है, तो आप उसको पढ़कर खुद से उसे ऑपरेट भी कर सकते हैं। स्पेस सेंटर का थ्रिल राइड है, यहाँ पर बैठते हैं अंदर जाकर, फिर उसमें बड़ी सी स्क्रीन होती है, उसमें दिखाया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग ये थ्रिल राइड मूव होता है। तो अब आते हैं वर्ल्ड ऑफ मिरर में, यानी कि यहाँ पर हमें डिफरेंट शेप्स ऑफ मिरर मिलेंगे। और अब चलते हैं मिरर मेज में, यानी कि भूल भुलैया शीशे की। तो यहाँ पर ऐसा था कि बहुत सारे मिरर्स तो थे भूल भुलैया बनाने के लिए, बट वो क्लियरली पता चल रहा था क्योंकि मिरर वहाँ के इतने क्लियर और क्लीन नहीं थे, जिस वजह से इजी था हमें डायरेक्शन लेना और जाना उसमें से निकल कर।
और ये रहे जिदान, यहाँ पर खेल रहे हैं, उनको एक फ्रेंड भी मिल गई इधर, तो बस मस्ती चालू है इनकी। अब इस सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पर हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया है कि कैसे पहले लोग स्टोन एज में रहते थे, एग्रीकल्चर करते थे, वो सब बहुत अच्छी तरीके से डिपिक्ट किया गया है। तो अब चलते हैं एवोल्यूशन ऑफ लाइफ में। यहाँ पर हमें एक राइड दी जाती है, उस राइड में बैठकर ही हमें ये सब बताया जाता है कैसे पहले लोग इस दुनिया में आए, पहले डायनासोर्स हुआ करते थे, उसके बाद कैसे धीरे धीरे ह्यूमंस लाइफ आई। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। पैंशिया महाद्वीप खंडित होने के कारण भारत एशिया के प्रकाशक में लगा। इसके फलस्वरूप आए भूकंप विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृति छोटे डायनासोर को पूरी के स्तर पर कर करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले की लंबाई तो प्राय 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी, और इनका वजन 75 टन था। सरसृप आकाश और सागर में भी छा रहे थे। सबसे प्राचीन उड़न सरसृप यूरिमॉर्फोडॉन हवा में उड़ते थे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कोलकाता का साइंस सिटी, और मैं आप लोगों को बता दूँ ये एशिया का लार्जेस्ट साइंस सिटी सेंटर है। अब हम वापस एग्जिट ले रहे हैं ये केबल कार राइड के थ्रू, और व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था केबल कार पे बैठकर।
आइए आप लोगों को भी दिखाते हैं यहाँ से पूरा साइंस सिटी का व्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।